सो हाय एवरीवन। तो आज का जो असम सी का पेपर हुआ था, असम सी 2021, तो उसको आंसर की तो रिलीज हो चुका है, ठीक है। बट अभी जो मतलब मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं कि जो आंसर्स हैं वो और जो आंसर की क्या आंसर है वो थोड़ा कुछ चीज़ का मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास जो पेपर है ये आपका सेट बी है, ठीक है। बट आई गेस मतलब क्वेश्चन सभी पेपर्स पे सेम क्वेश्चन थे, नंबरिंग अलग अलग था। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेट बी का, अब जैसे क्वेश्चन था जिसमें बॉडी कॉन्स्ट्रेंट टू मूव अलोंग जेड एक्सिस, तो उसमें कुछ फोर्स दिया हुआ था, ये फोर्स दिया हुआ था और वर्क डन कैलकुलेट करना था फॉर 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो आंसर आंसर की में जो दिया है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। 12 आपका आंसर आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो आंसर दिखा है, देखो वर्क डन निकालना है आपकी, 12 न्यूटन कैसे हो सकता है, न्यूटन तो हो नहीं सकता, ठीक है। बट 12 है, 12 जूल है आंसर असल में। तो यहाँ पे मतलब ऑप्शन सी जो है वो 12 आपका सॉल्व करने से मतलब 12 आएगा, मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब तो मतलब प्रोसेस, क्वेश्चंस का प्रोसेस कैसे होगा, कैसे सॉल्व करना है वो सब अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 41 का सी 12 न्यूटन लिखा हुआ है, बट 12 जूल होना चाहिए, बट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट 42 अगर जाएंगे तो इसमें आपका एक कॉमेट ऑर्बिट्स इन द सन इन्हें हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो क्या व्हाट रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व होता है इसमें, तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आ गया 43। 43 में दिया हुआ है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए, ये सब क्वेश्चन मतलब आपके जो क्वेश्चन पेपर के साथ मिला के देख लीजिए, वो आंसर्स ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड कॉपर 10 सेंटीमीटर, ये वाला जो था हाइड्रोलिक प्रेशर के ऊपर, तो इसमें आपको निकालना क्या था, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालना था, ठीक है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे निकालना था, तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसका आंसर जो आएगा वो आपका 5 × 10^-2, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। 5 × 10^-2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 5 × 10^-2 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब डेल्टा वी निकालना था यहाँ पे, डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा वी बी इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी होता है, तो यहाँ से वी बाकी से क्वांटिटी दिया होता आपको, डेल्टा वी निकालना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या था कि ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 1 kg फासन टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 50 न्यूटन, ब्लॉक इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। तो इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। अब ये क्वेश्चन नंबर 44, इसका ऑप्शन ए है, जो आंसर की में भी इसका आंसर सेट बी के लिए ठीक ही है, यही है, ठीक है। सेट बी 0.1 cos 7.07t। नेक्स्ट 45, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज पूछा था, ठीक है। एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का है ऑप्शन सी, मतलब एम्पलीट्यूड है √2 और इनिशियल फेज है -45 डिग्री, ठीक है। फिर ये जो सितार वाला प्रॉब्लम था, सितार और बीट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्स, फिर टेंशन, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए दिया हुआ था 324 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी पूछा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी वहां पे आता है आपका 318 हर्ट्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर 47 में, क्वेश्चन नंबर 47, गैल्वेनोमीटर, ये मतलब वोल्ट मीटर कन्वर्जन का क्वेश्चन था, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू ओम कनेक्टेड इन, अब वोल्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर कन्वर्जन में रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से कोई एक ऑप्शन था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन डी 5988 ओम इन सीरीज, ये दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 47, क्वेश्चन नंबर 47 बड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। अब आप लोगों ने और चीज ध्यान में दिखा होगा, कई क्वेश्चन जो यहाँ पे ऐसे कई क्वेश्चन आए जो मैंने सीरीज में डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, ठीक है। 48, 48 में आपका क्या था, ई बाई बी, ई बाई बी इज इक्वल टू सी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, तो बी आपको निकालने के लिए बोला था, तो बी यहाँ पे 48 में आपका आता है ऑप्शन ए, मतलब 2.1 × 10^-8 टेस्ला। 49, क्वेश्चन नंबर 49, इसका भी ऑप्शन नंबर ए है 1950, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो क्वेश्चन आया था 1950 डी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। ये आपका इसका आंसर 49 का।
फिर क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में आपका व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ऊपर जो क्वांटिटी है वो तो लेंथ था, और नीचे जो क्वांटिटी है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला था, लेंथ बाय वेलोसिटी टाइम होता है, ठीक है, लेंथ बाय वेलोसिटी टाइम होता है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर 51, क्वेश्चन नंबर 51, वेक्टर्स का रिजल्टेंट वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, तो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वाला क्वेश्चन, ये आपका 1.85 आर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर टाइम डिपेंडेंट फोर्स, ठीक है, उसमें जो आपका अल्फा टी 3/2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड, ये निकाला था 52 क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर आपका 20 अल्फा आता है, ऑप्शन ए, ठीक है, 20 अल्फा। फिर आपका ये जो एक स्फेयर था हंग बाय मासलेस स्प्रिंग स्ट्रिंग सॉरी, तो इसमें आपको फ्रॉम द डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे टी हो गया, तो यहाँ पे ये थीटा, तो इधर आपका टी कॉस थीटा, यहाँ पे टी साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे डब्ल्यू, तो आपको एन इक्वल टू टी साइन थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू टी कॉस थीटा, ये आपको करना था, तो इसमें आपको ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, बड़ा मजेदार क्वेश्चन दिया ये इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें एक सॉलिड स्फेयर ऑफ मास 3 kg है रेस्टिंग इनसाइड ए क्यूब, टोटल फोर्स निकालने के लिए बोला था, टोटल फोर्स निकालने के लिए बोला था, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 89 न्यूटन, 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। फिर 55, एज्यूम द स्पीडोमीटर ऑफ ए कार मेजर्स द स्पीड ऑन द बेसिस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ व्हील्स, ठीक है, फिर व्हील का साइज डायमीटर को डबल कर दिया था, ठीक है, तो रेशियो स्पीड पूछा था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। 56, क्वेश्चन नंबर, हॉलो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, हॉलो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ऑप्शन डी इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सर्टेन प्लैनेट ऑफ रेडियस आर, वेट ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज बाय 1.5%, हाइट में 1.5% हो रहा है, तो डेप्थ में कितना होगा, डेप्थ में आधा होना चाहिए, डिक्रीज ही होगा, बट आधा होना चाहिए था, तो 0.75%, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, द एलिवेटर ऑफ मास 2000 kg हैंगिंग ऑन ए स्टील केबल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसमें कि विथस्टैंड स्ट्रेस ऑफ 10.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर आप लोग टैली करके देखिएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 5 टाइम्स पाई माइनस 2, ठीक है। ए ब्रास ब्लॉक इज टाइटली फिटेड इन ए क्यूबिकल होल, तो उसको लूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसको लूज करने के लिए आपको कूल करना पड़ेगा, ठीक है, कूलिंग। नेक्स्ट नंबर 60, स्फेयर ऑफ रेडियस आर कंटेनिंग ए मोनोएटॉमिक गैस ऑफ मोलर मास एम, टेम्परेचर टी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली थ्रू ए हाइट एच अंडर ग्रेविटी विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिफोर हिटिंग द सर्फेस, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब एक बॉल को ड्रॉप किया था, टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर 61, बीटा डीके से रिलेटेड था, बीटा डीके क्या होता है, तो ये तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 62, स्पीड टाइम ग्राफ दिया होता है, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच में, मतलब इसका एरिया निकालना है, बेसिकली इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया इसका 90 मीटर आता है, ठीक है, 90 मीटर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, रेनॉल्ड्स नंबर, अब रेनॉल्ड्स नंबर बोला यार, फिर तो कुछ और सोचना ही नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। 64, इन एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो इसका आपका कॉन्ट्रैक्शन व्हेन टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है, डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन वाला जो क्वेश्चन था जिसमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया था, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी निकालना था, तो 65 क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी 1.47 10 पावर माइनस 2, 1.47 10 पावर माइनस 2, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, कैपेसिटर का जो क्वेश्चन था जिसमें स्लैब का मतलब डिस्टेंस रिड्यूस टू हाफ और एक स्लैब डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 इंसर्ट किया था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, मतलब 96 पिको फैराड इज द आंसर, ठीक है। 67, स्टोरेज बैटरी वाला जो क्वेश्चन था, ईएमएफ पोटेंशियल ड्रॉप निकालना था अक्रॉस द सीरीज रेजिस्टर, ठीक है, तो इसका आंसर 108.5 वोल्ट,
108.5 वोल्ट, ठीक है। फिर 68, क्वेश्चन नंबर 68, क्लोजली वाउंड सॉलिनॉइड ऑफ 80 सेंटीमीटर, 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग, ठीक है। तो इसका आंसर में थोड़ा मुझे, मतलब मुझे भी डाउट हो रहा है कि जो इसका आंसर जो है वो 8 पाई इंटू 10 पावर -3 टेस्ला आ रहा है मेरा, ठीक है। बट इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है, 10 पावर -2 ऑप्शन का ही दिया हुआ, ऑप्शन बी। अब इन्होंने ऑप्शन बी आंसर जो आंसर की है उसमें 68 का आंसर बी दिया हुआ है, बट मेरा 10 पावर -3 आ रहा है। तो आई डोंट नो, मतलब मैंने तो वेरीफाई करके देखा है, मतलब सब तरह से कैलकुलेशन, बट 8 पाई -3 आ रहा है, ठीक है। तो ये सॉलोनॉइड वाला क्वेश्चन जो था, 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग, 68। 69 जो है, 69, अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, नो, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर 70, क्वेश्चन नंबर 70, डायमेंशंस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब बेसिकली पोटेंशियल का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो इसका ऑप्शन डी, mL²(t·3A·1) होगा, ठीक है। 71, ये भी क्वेश्चन मैंने आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैंने कराया था। रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट n=2 और n=3 के लिए और आपको रेडियस निकालने के लिए बोला था। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर 72, 72, पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी वी इज इक्वल टू अल्फा वाई आई कैप -x j कैप, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट। तो इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑप्शन ए है, x² + y² = 0, ठीक है। 73, 73 इसमें जो आपका रॉड के बीच में टेंशन निकालने के लिए बोला था, एक 5 kg ब्लॉक था, एक 2 kg था, बीच में एक 1 kg का आपका रॉड था, रॉड के बीच में आपको टेंशन निकालने के लिए बोला था 73, तो उसका 30 न्यूटन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर 74, 74, 74 में आपको अगेन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट x=14, वर्क एनर्जी पावर थ्योरम के ऊपर ये बेस क्वेश्चन था। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन आपको एरिया ऑफ द ग्राफ निकालना था, 74। इसका ऑप्शन ए है, 42 जूल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 75, क्वेश्चन नंबर 75, तो इसमें आपको पूछा था कि मतलब इस पोजीशन में, ए पोजीशन में वी का स्पीड का वैल्यू कितना होगा, तो वो आपका 2V sin θ/2 ये होगा, ठीक है। तो ये देखिए यार, इसमें इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मतलब जैसे हाईएस्ट पॉइंट में हमको पता है ना, यहाँ पे अगर वी होता है तो यहाँ पे स्पीड 0 होता है, और हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड ट्वाइस वी होता है। तो देखो यार, इस पोजिशन के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, इस पोजिशन के लिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब इस फॉर्मूले में ही ये चीज वैलिड करता है, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह से करके चेक करके दे सकते थे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 75 का। फिर 76, क्वेश्चन नंबर 76, PV=nRT, आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर ये था, P1 > P2, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 77, आपका एक हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल ग्राफ का दिया था, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको निकालने के लिए बोला था, तो स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे आएगा 144.4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 78 में आपका था कि पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पोटेंशियल एनर्जी का 1 + 12x + 6x² दिया हुआ था, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए बोला था, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स x = 3 है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर 79, क्वेश्चन नंबर 79, इसमें एक मतलब ऐसा कंटेनर है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस P1 और P2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए बोला था। तो प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, और आंसर की में भी ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, अब इसमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डेंसिटी, वुड ऑफ डेंसिटी 100 kg/m³ फॉल्स इन ए लेक फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, टू व्हाट डेप्थ। तो ब्लॉक कहाँ तक सिंक करेगा, ठीक है। अब इसमें जो मैंने किया है, इसका आंसर 0.8 मीटर आ रहा है, तो उसके हिसाब से जो पास वाला वैल्यू है वो 1 मीटर होना चाहिए, बट आपका जो आंसर किया है उसमें आंसर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब जितना मेरा नॉलेज है उसके बेसिस पे तो ऑप्शन सी, अब शायद मैंने गलत तो नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, मैंने पूरा ट्राई किया आपकी तरफ से, और दूसरे टीचर से भी मैंने ये कंफर्म किया है, मतलब तो 0.8 मीटर ही आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए, बट आंसर की में ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है।